जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में सबसे बड़ा अपडेट और दोस्तों रीट शिक्षक भर्ती 2022 जो विस्तृत नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, वो यहां पे जारी हो चुका है। और आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं दोस्तों वीडियो की शुरुआत में कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है आज उसमें टेक्निकल एरर है, तकनीकी जो खामी है उसके चलते हम PDFs डाउनलोड कर पाने में असमर्थ हो रहे हैं। लेकिन लेवल टू का आपको PDF फाइल है, वो बताते हैं कि उसमें क्या कुछ कहा गया है, कितने कितने पद हैं। सबसे अच्छी बात, बोर्ड ने विज्ञप्ति के साथ अब सिलेबस भी दिया है। जो सिलेबस आपको कई महीनों पहले पता चल गया था, वही सिलेबस यहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बार फिर से विज्ञप्ति के साथ भी जारी किया है। जैसे हम इस पर डाउनलोडिंग के लिंक पर क्लिक करते हैं तो लेवल टू का मैंने डाउनलोड कर लिया था, भगवान की दया से हो गया डाउनलोड, लेकिन लेवल फर्स्ट का अभी भी डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह दोस्तों टेक्निकल एरर है, आप लोगों के सामने है। लेकिन लेवल टू का आप लोगों को बताते हैं, जो डाउनलोड्स मैंने किया हुआ है उसमें आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए लेवल टू का तो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा विशेष शिक्षा लेवल टू 6 से 8 तक जो कुल पद हैं दोस्तों वो आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत है, इतने इतने अगर आप पात्रता हासिल है तो इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आप लोगों के शुरू होंगे 21 दिसंबर से, उससे पहले आप अपना जो पात्रता का सर्टिफिकेट है वो ले सकते हैं। और कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो फीस लगता है 450 रुपये जनरल क्रीमिलेयर OBC MBC, 350 रुपये नॉन क्रीमिलेयर OBC MBC EWS और 250 रुपये SC ST और जो विशेष योगदान का मतलब है PH कैंडिडेट्स, इन सब के लिए 250 रुपये ये आप लोगों को फीस देनी होगी। अब दोस्तों यहां पर देखिए जिलेवार विषयवार वर्गवार जो भी है आप लोगों का इन्होंने अनेक्जर बताए हैं, यानी कि पेज नंबर आप लोग देखें उनको देख सकते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को अब दिखाते हैं जो रिक्तियाँ हैं उनके बारे में, 78 पेज का PDF है, 78 पेज है, आप आराम से पढ़िएगा और इसको लेकर के भी टेंशन भी नहीं लेनी, विज्ञप्ति आराम से पढ़ा करें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो अब आपको दिखाते हैं दोस्तों, देखिए वेतनमान सबको पता है 3rd ग्रेड की वैकेंसी है। और ये देखिए आप लोगों की स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। और यहाँ पर जो योग्यता है वो आप लोगों के सामने है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है सामाजिक अध्ययन के लिए जो आप लोग किस विषय से पेपर दे सकते हैं। तो आपके साथ ग्रेजुएशन में वैकल्पिक विषय में ये होना चाहिए तो आप इसका दे सकते हैं। जैसे SST के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में अगर आपके पास इतिहास था, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन, ये जो कॉमर्स वाले विद्यार्थियों में एक विषय इनमें होना चाहिए आपके पास, जब आप SST के लिए दे सकते हैं। विज्ञान गणित के लिए ये दिया गया, इनमें से किसी एक में होना चाहिए। अंग्रेजी के लिए देखिए आप अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में तत्संबंधी अंग्रेजी विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा। हिंदी के लिए हिंदी चाहिए, संस्कृत के लिए संस्कृत चाहिए, उर्दू के लिए उर्दू चाहिए, पंजाबी के लिए पंजाबी चाहिए, सिंधी के लिए सिंधी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए विशेष शिक्षा के बारे में उन्होंने बताया है, वह व्यक्ति जिसने विशेष शिक्षा उत्तीर्ण की और नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण भी यहां पर लेना होगा। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कहीं से भी आवेदन किया जा सकता है पूरे देश से, लेकिन आपके पास रीट की जो पात्रता है वो होनी चाहिए। एज आप लोग देख लीजिए दोस्तों, यहां पर 18 से लेकर 40 वर्ष तक की एज होनी चाहिए। और जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2020 को यहाँ पर ओवर एज नहीं था वो भी इसमें फॉर्म लगा सकता है, और वो इस वक्त ही नहीं 31 दिसंबर 2024 तक फॉर्म भर सकता है जो भी वैकेंसीज राजस्थान में निकलेंगी। तो 18 से 40 वर्ष तक की एज है हो गई दोस्तों, 3 साल की इसमें एक्स्ट्रा छूट है, तो आप 18 से 43 मान के चलिए इसे, क्योंकि 2018 में भर्ती आई थी उसके बाद ये रद्द किया गया था 21 वाली को, तो 3 साल की एक्स्ट्रा छूट यहाँ पर है। दो छूट किन किन को दी जाएगी, राजस्थान के जो मूल निवासी हैं EWS OBC MBC SC ST शहरीय वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 साल की छूट, जनरल और अन्य राज्यों की समस्त महिला अभ्यर्थियों को ऊपरी आय सीमा में 5 वर्ष की छूट, तो ये यहाँ पर लिखा गया है।
जनरल की महिला अभ्यर्थियों को 5 साल का एक्स्ट्रा छूट और अन्य राज्यों की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 साल की छूट दी जाएगी। राजस्थान राज्य के जो मूल निवासी हैं महिला अभ्यर्थी जो आती हैं EWS से, OBC से, MBC से, SC ST से और शहरी वर्ग से, उनको 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक जो एक्स मैन है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। 50 साल तक के भूतपूर्व सैनिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आवेदन शुल्क 21 दिसंबर से फॉर्म शुरू होंगे, 19 जो जनवरी है वो लास्ट डेट रहने वाली है। परीक्षा का आयोजन 25 से लेकर 28 फरवरी तक किया जाना है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए अलग से बोर्ड द्वारा सूचना जारी कर दी जाएगी, एक बार कर भी चुके हैं, इसमें फिर से यहाँ पर विवरण कर दिया गया है इन्होंने। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोग देखें, अब ये जो कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेट्स आप लोगों को चाहिए होंगे ये यहाँ पर देखिए। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अर्थात MBC OBC का नवीनतम प्रमाण पत्र जो पिता के नाम और आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। यानी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो आपके पिता के नाम का हो। कोई अभ्यर्थी ने अगर अपने पति के नाम का बनवा रखा है, काफ़ी सारे जो प्रेम विवाह होते हैं उनमें अमूमन ये चीज़ें देखने को मिलती है कि वो पति के नाम से बनवा लेती है महिला अभ्यर्थी, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पिता के नाम का होना चाहिए। ठीक है, SC ST में भी यही चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, EWS और जो के अभ्यर्थी हैं उनको जो 1 साल की जो वैलिडिटी के साथ जो सर्टिफिकेट बनाना होता था EWS का, वो एक आप लोग 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, लेकिन आपको एक एफिडेविट देंगे तो वो 3 वर्ष के लिए भी मान्य किया जा सकता है। एक एफिडेविट जो गहलोत सरकार ने फैसला किया था उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखिए, विधवा और परित्यक्ता जो महिलाएं हैं, डाइवोर्स एंड जो विडो महिला अभ्यर्थी हैं उनको ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं करने का सर्टिफिकेट भी देना होगा, शपथ पत्र भी देना होगा। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व के हों। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तलाक की डिग्री भी आपकी ऑनलाइन आवेदन से अंतिम तिथि के पूर्व की होनी चाहिए। ये कुछ बेसिक्स सी चीज़ें हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, ये दिशा निर्देश हैं। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए जो है यहाँ इन्होंने पदों का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जो मेरिट है वो राज्य स्तरीय बनेगी। ठीक है, स्टेट लेवल पर मेरिट बनाई जाएगी, भले ही वैकेंसीज को जिला वाइज इन्होंने नोटिफाइड किया है। ठीक है, यहाँ आप लोगों के सामने है, राज्य स्तरीय मेरिट सूची बनेगी, यानी कि एक मेरिट बनेगी पूरे राजस्थान के, स्टेट लेवल पर मेरिट बनेगी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान देखें। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, परीक्षा 300 अंकों की होगी, परीक्षा के लिए 1 प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे की टाइमिंग मिलेंगी, 150 क्वेश्चन्स होंगे, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और ये सिलेबस है दोस्तों आप लोगों का, कौन सा टॉपिक किसका है ये सारा आपने सिलेबस देख लिया होगा। सिलेबस के बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो जिले वाइज वर्ग वाइज जो आपकी वैकेंसीज हैं वो हैं, तो ये लेवल 2 का हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो भी रीट पास आउट है वो फॉर्म भर सकता है, इस तरीके से देख सकते हैं। NTSP में जिला वाइज आप लोगों की वैकेंसीज हैं वो नोटिफाइड की गई हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, ये आप लोग देखें इस तरीके से। इंग्लिश का देखिए, MR का है, विशेष शिक्षा का आप लोग देख सकते हो। ठीक है, VI NTSP इंग्लिश विशेष शिक्षा, तो सारे की सारी PDF आपको मिल जाएगी, आराम से इत्मीनान के साथ इसे पढ़िएगा। ठीक है, किसी भी तरीके की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, अपनी जो तैयारी है उसे आप लोग करते रहिए। देखिए सारे के सारे सीटें, ये जो सीटें देखने का और बताने का दोस्तों आप लोगों को फ़ायदा तब है जब हम फुर्सत से इस चीज़ को देखें और बताएं। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान कंसंट्रेट कीजिए, इस PDF को एक बार पढ़ लीजिए और इसमें जो सीटें हैं आप लोगों की उसको देख करके ये भी नहीं घबराना है, कितनी भी सीटें हों भले ही, आपको सिर्फ एक चाहिए, इस उद्देश्य के साथ इस मकसद के साथ आप लोगों को तैयारी करनी है। नोटिफिकेशन दोस्तों हम आपको पहुँचा देंगे टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन जो है पढ़ सकते हैं, लिंक दिया गया है। लेवल 1 का जैसे डाउनलोड होगा हमसे, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, ये जिले वाइज वैकेंसीज आप लोग देख सकते हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।